सबने निवेदन करता हूं कि पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा फ्लैग ऑफ कर इस क्षेत्र के लाखों लोगों के सपने को साकार करें और प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इसी के साथ ही हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन अपनी प्रथम यात्रा पर और यहां पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि भी हरी झंडी दिखाकर पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन को उसकी पहली यात्रा पर रवाना करते हुए बेहद महत्वपूर्ण क्षण यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए पश्चिम बंगाल के लिए एक गौरवशाली क्षण आधुनिक भारत की उपलब्धियों में एक और कड़ी स्वनिर्मित सातवीं वंदे भारत की मधुर सौगात पश्चिम बंगाल के निवासियों के लिए एक अनुपम भेंट जो उनकी यात्रा को सुगम एवं सुखद बनाएगी। वंदे भारत की सेवा व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अवसरों के नए द्वार खोलेगी। पश्चिम बंगाल के पर्यटन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए और मंच पर उपस्थित अतिथिगण भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम खासियत के साथ देश की सातवीं स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को एक मूर्त रूप प्रदान करते हुए गति सेवा सुरक्षा का पर्याय वंदे भारत न्यू जलपाईगुड़ी तक की 561 किलोमीटर की दूरी मात्र 7.5 घंटे में तय करेगी। इस मधुर सौगात से सभी पश्चिम बंगाल के निवासी लाभान्वित होंगे। वंदे भारत को सफलतापूर्वक विकसित करना भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, यात्रियों को सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए बेहतर डिजाइन, उत्तम इंटीरियर और आधुनिक सुविधाओं से लैस धीरे धीरे गति पकड़ते हुए विश्वास दिलाते हुए भारतीय रेलवे और पश्चिम बंगाल के विकास को गति और नई दिशा मिलेगी। हर कोच में ऑन बोर्ड वाईफाई इंफोटेनमेंट, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली जैसे फीचर हैं, साथ साथ रोगाणु मुक्त वातानुकूलित हवा की आपूर्ति के लिए भी इंटेलिजेंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम का प्रावधान किया गया। यात्रा के लिए यात्रियों को विमान जैसी यात्रा अनुभव और कवच तकनीक सहित उन्नत अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यात्रियों के मुख पर मुस्कुराहटें और उत्साह साफ झलकता हुआ हावड़ा स्टेशन के लिए गौरवशाली क्षण और हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं।
हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये जो सेवा का भाव है, हर्षवर्धन जी मैं आपके पास आ रही हूँ, ये जो सेवा का भाव प्रधानमंत्री मोदी लोगों के सामने रखते हैं ये अद्वितीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्तव्य के प्रति कोई कोताही न बरतना, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं। लेकिन आज के दिन ये थोड़ा सा किसी को भी, कितना भी आप ये मान लें कि नरेंद्र मोदी तो इतने मजबूत हैं, नरेंद्र मोदी तो इस तरह से व्यवहार करते हैं, लेकिन आज के दिन ये देखना थोड़ा सा मुश्किल में डालने वाला होता है। और शायद ये उनके लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल है, इसीलिए आज कोई भाषण नहीं हुआ, कोई बातचीत हम नहीं सुन सके और सिर्फ वो हरी झंडी दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये ठीक भी था, क्योंकि आज जो भावुक पल है, जिस क्षणों को वो उससे गुजर रहे हैं, एक खाली हो गया उनके मन का कोना, एक उनके हृदय का कोना, एक उनके लिए सब कुछ जो था वो खाली हो गया, तो ऐसे में ये बड़ा मुश्किल है। फिर भी अगर वो ये सोचते हैं कि देश के लोगों को एक संदेश जाना चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं उसको करने में कोई कोताही किसी वक्त नहीं होनी चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि सीधा सीधा संदेश देने का मसला ज़्यादा है लोगों को अपने व्यवहार के लिए, कि किस तरह से वो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें।